देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेट, आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। तो करते हैं शुरुआत टॉप 10 खबरों के साथ। बीते गुरुवार की सुबह 26 सालों में सबसे ठंड का मौसम रहा। उसके पहले 1994 में अक्टूबर के महीने में किसी एक दिन न्यूनतम तापमान इससे नीचे गया था। गुरुवार को सफदरजंग मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में कोरोना का तीसरा फेज का झटका बहुत खतरनाक हो सकता है। 24 घंटों में राजधानी में 5,739 नए केस सामने आए हैं, जबकि 40 लोगों ने दम तोड़ा है। एम्स के निर्देशक डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि इस दौरान कोरोना को लोग हल्के में ना लें और समुचित सावधानी बरतें। त्योहारी सीजन में अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो सावधानी बरतने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि साइबर ठग लुभावने ऑफर देकर आपकी जेब ढीली कर दें। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुआ भतीजे का रिश्ता रखने वाले अपने राजनीतिक भतीजे अखिलेश यादव को आगाह किया है कि राज्यसभा चुनाव में उनके विधायकों को तोड़ने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। भतीजे की इस घिनौनी हरकत का जवाब देने के लिए मायावती राज्य में होने वाले विधान परिषद के चुनाव में अन्य विरोधी दलों सहित भाजपा से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। शाहीनबाग थाना पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमान अतुल्लाह खान पर FIR दर्ज की है। आप विधायक के खिलाफ NIA के DSP ने सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस शिकायत पर IPC की धारा 186, 189, 353 और 334 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा आज से शुरू हो गया। मोदी 2 दिन गुजरात में ही रहेंगे, जिसके तहत वे गुजरात को कई सौगातों से नवाजेंगे और साथ ही कल राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सी प्लेन सर्विस की शुरुआत करेंगे। गांजा तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 5 आरोपियों को तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उड़ीसा और विशाखापट्टनम से ट्रक में गांजा मंगाकर दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश के शहरों में सप्लाई की जाती थी। पराली के धुएं और हवा की गति कम होने से राजधानी दिल्ली में आज प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने और गले में खराश जैसी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अपने टाइम के दिग्गज मुक्केबाज माइक टायसन फिर रिंग में दहाड़ते नजर आएंगे और इस बार उनका मुकाबला रॉय जोन्स के साथ होगा। कैलिफोर्निया के एथलेटिक आयोग ने टायसन और जोन्स के बीच अगले महीने होने वाले मुकाबले को मंजूरी दे दी है। हालांकि ये महज एक प्रदर्शनी मुकाबला होगा, जबकि टायसन और जोन्स इसे सिर्फ प्रदर्शनी मुकाबला नहीं मानकर उसे गंभीरता से ले रहे हैं। IPL के 13वें सीजन में अब तक खेले गए मैचेस में 13 में से 8 मैच हारने के बाद गौतम गंभीर ने MS धोनी की कप्तानी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस साल IPL में खराब प्रदर्शन के बावजूद धोनी को 2021 में टीम कैप्टन के रूप में बने रहने को लेकर कहा कि यदि चेन्नई अगले साल भी धोनी को कैप्टन बरकरार रखे तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। इसी के साथ देश और दुनिया की टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ABNN।